क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में है और वहां टेस्ट मैच चल रहा है, लेकिन इस बीच टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी और बुरी खबर है। अहमदाबाद से ये खबर आ रही है जहां टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी हार्दिक पांड्या के पिता का निधन हो गया है। हार्दिक के पिता हिमांशु पांड्या का सुबह सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, जिसके बाद पूरे घर में हाहाकार मच गया। हार्दिक पांड्या के बड़े भाई और क्रिकेटर कुणाल पांड्या बड़ौदा की तरफ से T20 क्रिकेट टूर्नामेंट खेल रहे हैं और सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। और अचानक जैसे ही कुणाल को खबर पता लगी तो कुणाल बायो बबल छोड़कर घर के लिए रवाना हो गए, जबकि वहीं घर में मौजूद हार्दिक पांड्या की हालत बेहद खराब हो गई। बताया जा रहा है कि जैसे ही हार्दिक को अपने पिता की खबर पता चली तो तुरंत हार्दिक की भी हालत खराब हो गई। हार्दिक बेहोश हो गए, घर में संभालने वाला कोई और नहीं था। तुरंत कुणाल पांड्या को फोन किया गया और कुणाल पांड्या भी घर के लिए रवाना हो गए। घर में हार्दिक की पत्नी और हार्दिक मौजूद थे, जबकि कुणाल पांड्या और कुणाल पांड्या की पत्नी मैच खेलने के लिए घर में मौजूद नहीं थे। अहमदाबाद में पूरा परिवार रहता है और हार्दिक पांड्या के बड़े भाई कुणाल पांड्या मुंबई से सीधे अहमदाबाद पहुंचे हैं। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के सीईओ शिशिर हतंगड़ी ने भी इस घटना पर शोक जताया है और उन्होंने बताया है कि हाँ, कुणाल बाय बबल से बाहर चले गए हैं और अब बड़ौदा के लिए सीजन में टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। और ये बड़ौदा क्रिकेट के लिए भी बहुत बड़ी दुखद घटना है और पूरा क्रिकेट एसोसिएशन इसमें हार्दिक और कुणाल के साथ खड़ा है। हार्दिक के घर में कुछ दिक्कतें चल रही थी और बताया जा रहा है कि इसी वजह से हार्ट अटैक हार्दिक के पिता हिमांशु को आया और वह अचानक सुबह सुबह चल बसे। तो आप भी हार्दिक पांड्या की दुख की इस घड़ी में साथ दें, हार्दिक पांड्या के पिता के लिए नमन करें और उन्हें श्रद्धांजलि जरूर दें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।